हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 of Pentacles एंड डिसरप्शन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज को लेकर आप मन ही मन बहुत टूटा हुआ, बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, हमने किसी चीज के लिए बड़ी मेहनत करी, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से उसको बनाया, जब वो टूट जाती है तो हम बहुत मायूस होते हैं या फिर हमें बुरा लगता है, हमें लगता है हमें फिर से इस चीज को बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर से मैं कहूंगी कि प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ आप महसूस कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 5 of Pentacles का कार्ड भी कहीं इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस की बात करता है। हालांकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूंगी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, और ये भी सबके लिए रिफर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल, टैंजिबल चीजों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड ये इश्यूज, ये मसले ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर जो परेशान है उनके पीछे एक एंजल है। तो ये कार्ड कहता है कि जहां चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं, वहीं पे कोई ना कोई इंसान भी है जो आपको हेल्प कर सकता है, इन्हीं एनर्जी से बाहर निकाल सकता है। यानी कि डिवाइन की तरफ से कोई एंजल भी इस वीक आपके आसपास रह सकता है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन जब तक हम अपने इश्यूज, अपने मसलों में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं, तब तक ये हेल्प, ये सपोर्ट हम नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड कहता है, अगेन कुछ इश्यूज हैं, मसले हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे, थोड़ा सा भी आप एक क्लैरिटी लेकर आएंगे, होपफुल रहेंगे, तो इस सपोर्ट, इस असिस्टेंस को आप देख पाएंगे और इन्हीं एनर्जी से या फिर इन्हीं इश्यूज से बहुत आसानी से आप बाहर भी निकल पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए 10 of Wands एंड विक्ट्री एंड सक्सेस के कार्ड्स हैं। देखिए, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली अगेन देखिए सक्सेस की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, या फिर किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा चाह रहे थे, उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से भी मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर मन ही मन बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए, 10 of Wands का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन भी रह रहा है। और इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन 10 of Wands का कार्ड कहता है
कि शायद आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली हुई हैं, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ली हुई हैं। आप जितना काम कर सकते हैं आप उससे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और इसीलिए एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जब भी टेन ऑफ वांड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं यू शुड लर्न टू से नो ग्रेसफुली। बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहना आना चाहिए, और जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करें। आप ओवर अपने आप को एक्सर्ट ना करें, आप ओवर अपने आप को स्ट्रेच ना करें, क्योंकि देखिए रबर बैंड को एक लिमिट तक ही हम खींच सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है। इसी तरीके से जितना हम कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो फिर वो हमारी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, और फिर डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, परेशानियां फिजिकल बॉडी में भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए नटशेल में, अपने बर्डन को आप ऑफलोड करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ऑफलोड करें, कहीं थोड़ा सा आप रेस्ट लें, आप ओवर एग्जॉस्ट अपने आप को ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको लेट गो करें और नई चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आएं, अगेन जो आपको सर्व करें, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जीज लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड, मेरून, रस्ट कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।